जब मोबली और बगीरा साथ में जा रहे होते हैं, बगीरा मोबली को बोलता है कि हाथियों के सामने झुको क्योंकि इन्होंने ही जंगल को बनाया। कई सारे रीजन में से एक रीजन है हाथी की पॉटी। हाथी 40-50% ही खाना डाइजेस्ट कर सकता है, उसमें से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है लाइक फ्रूट के सीड्स, तो उससे जंगल को बढ़ने में बहुत हेल्प होती है। दूसरा रीजन, तेरा आपने कभी DSK की एंटीलोक की और आपने टॉपिंग्स देखी होगी तो वो स्मॉल स्मॉल बॉल्स रहते हैं, उसको बोलते हैं पैलेट्स, तो वो आपको डार्क शाइनी दिखेंगे क्योंकि डियर जो होते हैं वो जो ग्रास है, वो ग्रास बचने में बहुत डिफिकल्ट रहता है, इसलिए वो बार बार उसको चबाते हैं और इसलिए उनके टॉपिंग्स में आपको ज्यादा मटेरियल नहीं दिखेंगे। अगर आप हाइना की पॉटी देखोगे तो वो व्हाइट कलर की होती है, उसमें ये दिखता है कि उसमें कैल्शियम बहुत है, तो जहाँ हाइना पॉटी करता है वहाँ सॉइल की गुणवत्ता बढ़ती है। तो नेचर में एनिमल्स की पॉटी भी इम्पोर्टेंट रहती है और ह्यूमन का कुछ भी नहीं। इस बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमन सब सुपीरियर देन एनिमल्स, ये सोचने की बात है।